हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आज की जो अपनी क्लास है पी एच एडवांस टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोग्रामिंग थ्रू पी एच पार्ट थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर अपन देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपना जो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कि अपन एक तो क्लाइंट हो गया अपना एक सर्वर होता है जब अपन इंटरनेट यूज करते हैं तो सर्वर से इन्फॉर्मेश को अपन रिसीव करते हैं सर्वर इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है तो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग क्या होती है क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग क्या होती है दोनों में क्या अंतर है तो ये अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अपन ये दोनों के है ना सर्वर साइड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में अंतर देखेंगे तो क्लाइंट साइड जिस जो आप जैसे ब्राउजर के थ्रू अपन जो मतलब वेबसाइट को एक्सेस करते हैं जिससे इंफॉर्मेश को अपन रिसीव करते हैं तो जैसे तुम है ना इंटरनेट यूज करोगे तो तुम अपने आप में क्लाइंट हो और जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी तो वो सर्वर के थ्रू आएगी तो सर्वर साइड आपका अलग कंसेप्ट हो गया क्लाइंट साइड आपका अल अलग कंसेप्ट हो गया तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना अपन को तो सोर्स कोड इज विजिबल टू यूजर कि आपका जो क्लाइंट पे सोर्स कोड होगा वो यूजर के लिए विजिबल रहेगा है ना क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है और सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है सोर्स कोड नॉट विजिबल कि आपको सर्वर से जो भी आप है ना इंफॉर्मेश को रिसीव करोगे जिससे आपके फिल्टर होकर इंफॉर्मेश आएगी तो वो कोड आपको यहाँ विजिबल नहीं रहेगा टू यूजर बिकॉज इट इज इट्स आउटपुट ऑफ सर्वर साइड ऑफ सर्वर साइड इज एच टी एम एल पेज नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इसका इट यूजली डिपेंड्स ऑन ब्राउजर एंड इट्स वर्जन तो ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है ये ब्राउजर पे डिपेंड करेगी और उसका कौन सा वर्जन है और ये जो है इन दिस इन दिस एनी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज एंड इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन क्लाइंट ये क्लाइंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इट रन ऑन यूजर्स कंप्यूटर जो क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो यूजर के कंप्यूटर पर रन होती है और जो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग होती है वो ना रन ऑन वेब सर्वर देर आर मेनी एडवेंटेज लिंक विद दिस लाइक फास्टर रेस्पॉन्स टाइम है ना ए मोर इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस तो पे आपको थोड़ा सा फास्ट मिलेगा एक इंटरेक्शन जो भी होगा रेस्पॉन्स टाइम पे वो फास्ट होगा द प्राइमरी एडवांटेज इज इट एबिलिटी टू हाईली कस्टमाइज रेस्पॉन्स रिक्वायरमेंट एक्सेस राइट्स बेस्ड ऑन यूजर फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो इट डज नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर डेटा क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी फॉर डेटा तो यहाँ पे पूरा डेटा सिक्योर होगा क्योंकि सर्वर से आप रिसीव करोगे ना तो डेटा डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर पाओगे मॉडिफाई नहीं कर पाओगे तो क्लाइंट साइड क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है वो सिक्योर नहीं है और आपके यहाँ पे ज्यादा सिक्योर होती, होती है सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग होती है इट इज टेक्निक यूज इन वेब डेवलपमेंट इन विच स्क्रिप्ट रन ऑन द क्लाइंट्स ब्राउजर और ये हो गया आपका इट इज टेक्निक्सिप्ट ऑन वेब सर्वर टू प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स इज कस्टम फॉर इच क्लाइंट रिक्वेस्ट तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी आप कस्टमाइज कर सकते हैं पूरा तो सर्वर साइड क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग होती है एच टी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट आर यूज क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग लिखेंगे हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज केस कटिंग स्टाइल सीट एंड जावा स्क्रिप्ट लाइट वेट प्रोग्रामिंग होती है तो इसमें अपन है ना क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अपन लिखेंगे यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे अपन यहाँ पे अपन पी एच पी है ना एक पाइथन जावा रूबी ये अपन यहाँ सर्वर साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हैं अपन तो ये एक डायग्रामिंग के थ्रू बता रखा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग तो यहाँ पे एक क्लाइंट हो गया ब्राउजर के थ्रू अपन है ना पूरा क्लाइंट्स को क्लाइंट पे जो इन्फॉर्मेशन आती है ब्राउजर के थ्रू आएगी तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ब्राउजर के थ्रू ही रन होगी हेल्पर एप्लीकेशन नेटवर्क के थ्रू है ना आपका ये ट्रांसमिशन होगा सर्वर सर्वर है ए पी आई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोग्राम है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के पेजेज है सी जी आई है ना ये आपका बैकग्राउंड बेकेंड पे डेटा बेस है यहाँ से इंफॉर्मेशन सर्वर से सेंड होगी क्लाइंट पे तो ये पूरा एक डायग्राम्स के थ्रू आप प्रजेंटेशन दे सकते हो तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है याद कर लेवे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीएचपी क्या है है ना पीएचपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो पी एच पी एक लैंग्वेज कर दोंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह दो जिसमें अपन सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों है ना वेबसाइट बना सकते अपन वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट तो पीएचपी का पूरा जो अर्थ हुआ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर सर है ना ये पी का पूरा फुल नेम है पी एच पी इज द जनरल परपज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जनरल परपज है यूज टू डिजाइन ए वेबसाइट मेनली इसका जो रोल है वेबसाइट को डिजाइन करना वेब एप्लीकेशन बनाना पीएचपी के थ्रू अपन बना सकते अपन इट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना ये पी एच पी का मेजर जो रोल है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एम्बेडेड विद एच टी एम एल एच टी एम एल के साथ में इसको यूज करेंगे एम्बेडेड लोग कोड भी होगा php की पूरी कोडिंग भी होगी तो html के साथ आप इसको यूज करोगे टू डेवलप ए स्टेटिक वेबसाइट डेवलप करना डायनामिक वेबसाइट डेवलप करना वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना ये php का मेजर रोल है इट वाज क्रिएटेड बाय रस्मस एंड ले लेरफो लेड ड्राफ लीडर ऑफ लेर ड्राफ इन 1994 तो ये एक साइंटिस्ट का नाम हो गया रस्मस इन उन्नीस सौ चौरानवे में इसका डेवलपमेंट हुआ था इट सपोर्ट मेनी डेटाबेस लाइक माई एस क्यूएल ओरिकल साइबेस सोलिड पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जेनेरिक ओडीबीसी ये सब डेटाबेस को सपोर्ट करती है पी एच पी मतलब पी एच पी के साथ में अपन डेटाबेस की पावरफुल कनेक्टिविटी ले सकते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सर वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी एच पी PHP की फुल फॉर्म क्या है तो अभी अपन जस्ट अभी देख चुके अपन फर्स्ट लाइन में PHP एब्रिविएशन फॉर हाइपर टेक्सट प्रीप्रोसे पी PHP का पूरा ये नाम हो गया एंड अर्लियर इट वॉज एब्रिविएटेड एज पर्सनल होम पेज ये ना पहले PHP का जो अर्लियर जो पहले ओल्ड नाम था पर्सनल होम पेज था बाद में इसको ना रीनेम कर दिया ये हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर रख दिया तो इसका जो ओल्ड नाम है कि ये हाइपर टेक्सट फ्री प्रोसेसर कहाँ से आया पर्सनल होम पेज से इसका नाम ही जनरेट हो गया फिर पी के अपन फीचर्स देखें तो पी एच पी के ना कई सारे फीचर्स हैं जिससे कि okay, अपन इसको ना फिर पावरफुल वे में अपन यूज करते हैं भाई एक तरह से पावर बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है वेबसाइट के लिए ये तो पी पी के देखें पी एच पी इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड ओपन सोर्स है ओपन सोर्स है डायरेक्ट आप इसके पूरे जो प्रोग्राम्स है नेट से ओपन सोर्स डायरेक्ट डाउनलोड करके यूज में ले सकते हो लाइसेंस की जरूरत नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट है देर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पी एच पी गिवन बिलो अब ये पी एच पी के पूरे फीचर्स की लिस्ट है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी पावरफुल परफॉर्मेंस है किसकी जो का अपन कोडिंग करते हैं हाईली परफॉर्मेंस कर दो ओपन सोर्स है एम्बेडेड है कि दूसरी लैंग्वेज के साथ में भी इसकी है ना अटैचमेंट हो सकता है तो एच के साथ में इसको अपन यूज़ करते हैं अपन पूरा इसमें कंट्रोलिंग कर सकते हैं वेबसाइट को स्टेटिक डायनामिक है ना वेब एप्लीकेशंस को लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है डेटा टाइप है ये ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड करेगी ये हेल्पफुल पी एच पी कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए पूरे हेल्पफुल रहेगी वेब सर्वर को सपोर्ट करेगी एरर रिपोर्टिंग है एरर को डील करने के अच्छी इसमें है ना कंसेप्ट है डेटा को पूरा सपोर्ट करेगी हर, हर तरह का डेटा बेस सपोर्ट करते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसको रन कर सकते हो फेमिलरिटी विद सिंटेक्स सिंटेक्स बहुत है ना ईजी है ईजी वे में इसकी सिंटेक्स अपन फॉलो करके कोडिंग कर सकते हैं तो ये पी एच पी के पूरे फीचर्स है अब वन बाय वन इन फ्यूचरों को देखो तो परफॉर्मेंस में क्या आएगा तो परफॉर्मेंस होगी एक तरह से पी एच पी जो स्क्रिप्ट होगी एग्जीक्यूटेड मस्ट फास्टर अदर लैंग्वेज के कंपेरिजन में ये फास्टर है दोज स्क्रिप्ट विच आर रिटर्न इन अदर लैंग्वेजेस सच एज जे एस पी एंड ए एस पी पी एच पी यूजेज इट्स ओन मेमोरी सो दे सो द सर्वर है ना वर्क लोड एंड लोडिंग टाइम इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस पी एच पी है ना अपनी खुद की मेमोरी यूज करेगी तो सर्वर पर अपन का जो लोड होगा वर्क लोड वो रिड्यूस हो जाता है एक तरह से विच रिजल्ट इन फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड एंड बेटर परफॉर्मेंस जिससे कि अपन को है ना फास्ट स्पीड मिलेगी और परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी ओपन सोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट अपन इसको ना डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली अवेलेबल है ऑन द वेब यू कैन डेवलप ऑल द वर्जन ऑफ पी एच बी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट विदाउट एनी पेइंग एंड कॉस्ट तो ओपन सोर्स का होता है फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई भी अपन चार्जेस नहीं देंगे ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर फ्री टू डाउनलोड एंड यूज फिर नेक्स्ट देखो फेमिलर फेमुलरिटी विदेक्स पी एच बी सिंटेक्स प्रोग्राम कॉब इम एम्डेड है एच यूज कर सकते हैं सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है प्लेटफॉर्म का मतलब यह ऑपरेटिंग सिस्टम से है तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आप विंडोज है मेक है ऐसे आपका जेनिक्स है और भी हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपन हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इंडिपेंडेंट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसके प्रोग्राम को रन कर सकते हो तो ए पी एच पी एप्लीकेशन डेवलप्ड डेवलप्ड इन एन वन ओ एस कैन बी इजीली एग्जीक्यूटेड इन अदर ओ एस आल्सो एक ओ एस में डेवलप किया हुआ प्रोग्राम्स को अदर ओ एस में है ना इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो डेटा बेस को ये पूरा सपोर्ट करेगी पी एच पी सपोर्ट ऑल द लीडिंग डेटा बेस माई एस क्यू का डेटा बेस है एस क्यू लाइट है ओडी बी सी है ओरिकल का डेटा बेस है एसेट्रा एरर रिपोर्टिंग पी एच बी हैज प्री डिफाइंड एरर रिपोर्टिंग कॉन्स्टेंट जैसे हर अदर लैंग्वेज में होता है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग तो अपन रन टाइम पूरे एरर्स को डील कर सकते हैं तो यहाँ पी एच बी में भी ऐसे एरर्स को पूरा है ना रिपोर्ट करने के लिए ऐसे कॉन्स्टेंट अपने पास कुछ वो है टर्मिनोलॉजी है जिस डायरेक्ट अपन एरर को या पूरा रिपोर्ट करके एरर को डील कर सकते हैं अपन पी एच बी हैज प्री डिफाइंड एरर रिपोर्टिंग कॉन्सटेंट्स टू जनरेट एन एरर नोटिस और वार्निंग एट रन टाइम एरे रिपोर्टिंग के के कुछ टाइटल है है ठीक ना फिर नेक्स्ट देखो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है टाइप लैंग्वेज को है इसमें डेटा टाइप का ऐसे कोई वो नहीं होता कंसेप्ट नहीं होता जैसे अपन जिस तरह से वैल्यू अपन डिफाइन करते हैं ना जैसे आपने थर्टी फाइव ए की वैल्यू थर्टी फाइव दी तो इंटीजर टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपने डबल कोटेशन में कोई मैसेज को है ना वेरिएबल को असाइन कर दिया तो स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा तो ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है ऑटोमेटिकली टाइप को

वेब सर्वर सपोर्ट पीएचपी इज कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल लोकल सर्वर यूज्ड टुडे लाइक अपाचे नेटस्केप माइक्रोसॉफ्ट आई आई एस एंड एसेट्रा ये सबको सपोर्ट करेगी सिक्योरिटी पीएचपी इज सिक्योर लैंग्वेज टू डेवलप ए वेबसाइट वेबसाइट के लिए बहुत सिक्योर लैंग्वेज है इट कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू प्रिवेंट थ्रेट्स एंड मैलिशियस अटैक फिर कंट्रोल डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड लॉन्ग स्क्रिप्ट और कोड वेयर इज पी एच बी केन डू द सेम वर्क इन फ्यू लाइन या अपन दूसरी लैंग्वेज में तो है ना बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखनी होती है तो ईजी वे में अपन कॉम्प्लिकेसी कॉम्प्ले कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को भी यहाँ शॉर्ट वे में है न कुछ लाइनों में ही लिख सकते हैं इट हैज मैग्जीम कंट्रोल ओवर द वेबसाइट्स लाइक है ना यू कैन मेक चेंजेज इजीली वन एवर यू वांट अगर कोई भी वेबसाइट में अपन को चेंजेज करना हो तो ईजी वे में अपन है ना चेंजेज कर सकते हैं फिर नेक्स्ट है हेल्प फुल पी कम्युनिटी इट हैज ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स हूँ रेगुलरली अपडेट्स डॉक्यूमेंटेशंस ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन हेल्प एंड एफे क्यू एफ लर्निंग पी एच पी फ्रॉम द कम्युनिटीज इन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट बेनिफिट फिर नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन देश पी एच पी सिंटेक्स कि पी एच पी को अपन है ना कैसे एच टी एम एल के साथ में एम्बेड करते हैं तो इसका क्या सिंटेक्स है और इसके और क्या रूल रेगुलेशन है पी एच पी में ना कोडिंग कैसे करें तो प्रोग्राम्स अपन पी एच पी में कैसे लिखें तो पी एच पी का एक स्क्रिप्टिंग है इज एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड प्लेन एच टी एम एल रिजल्ट HTML results, जो एच टी एम एल का रिजल्ट होगा इज सेंट बेक टू द्राउजर यानी क्लाइंट ब्राउजर जो यूज करेगा वो क्लाइंट करेगा तो पी एच पी स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनी वेयर इन द डोकूमेंट्स तो जो एच टी एम एल का डॉक्यूमेंट्स होगा उसको इसकी स्क्रिप्ट को अपन कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं यानी कि एच टी एम एल के साथ में अपन पी एच पी को कहीं पे भी एम्बेड कर सकते हैं रख सकते हैं मतलब तो पी एच पी स्क्रिप्ट स्टार्ट विद है ना ये आपका एंगुलर ब्रेकेट है तो एंगुलर ब्रेकेट भी अपन एच टी एम एल में यूज करते हैं तो पी एच पी में पी एच पी को जब स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में क्लोज करेंगे तो ये आपका स्टार्ट हो गया ये आपका एंड हो गया इसमें फिर पी एच पी कोडिंग अपन है ना इस टेक्स में कंटेनर है पूरी की पूरी है ना यहाँ रख देंगे अपन तो पी एच पी को जब स्टार्ट करेंगे तो ये आपका beginning, ये आपका बिगिनिंग एंड होगा ये एग्जाम्पल दे रखा यहाँ पी एच पी कोड हियर ये इसका जनरल सिंटेक्स है है ना ये टेग याद हो जाना चाहिए द डिफॉल्ट लाइक डिफॉल्टन पी एच पी डोट पी एच पी फाइल का एक्सटेंशन होगा ठीक है ना ये फाइल एक्सटेंशन है डॉट के बाद में तीन करेक्टर्स PHP file normally फाइल HTML tag and some PHP scripting code. एंड सम तो PHP एच पी जो फाइल होती है डॉट पी एच पी वो एच टी एम एल के टैग भी होंगे और आपका पी एच पी स्क्रिप्टिंग भी होगी दोनों का मिक्सअप हो जाता है एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखें कि अपन ने है ना माई फर्स्ट पी पी एच पी पेज है ना एक प्रोग्राम में डिस्प्ले करके देखा हुआ है हेलो वर्ड अपन प्रिंट कराना चाह रहे हैं इक्ो के थ्रू इसका आउटपुट आता है जैसे अदर लैंग्वेज में तो होता है ना प्रिंटअप है सीआउट है .out, आ, print है ना सिस्टम डोट आउट प्रिंट लैन है या सिस्टम डोट आउट लैन है राइट लेन है तो यहाँ पे इक्को चलता है यहाँ आउटपुट के लिए तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन हो गया एस टी एम एल का फॉर्मेट आपको आता है ये एच टी एम एल की स्टार्टिंग है एस टी एम एल की क्लोजिंग है एस टीम एल का ये बॉडी सेक्शन हो गया ये पूरा बॉडी सेक्शन में ये पी एच पी का कोड को अपन ने यहाँ रख दिया हेडर सेक्शन हो गया और ये पी एच पी कोड रख दिया है यहाँ पे ये यह पी एच पी कोड हो गया आपका है ना तो ये हेलो हेलोवर्ड हो गया फिर इसका आउटपुट देखोगे तो यह माई फर्स्ट पी एच पी पेज हेलो वर्ड यह इसका आउटपुट आ जाएगा पीएचपी का जो स्टेटमेंट होता है है ना वो अपन करते हैं पीएचपी स्टेटमेंट एंड विद सेमी कोलोन ये जरूरी हो जाएगा पीएचपी में जो की वर्ड यूज करेंगे क्लासेस है फंक्शंस है एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस है आर नॉट के स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं अपन जैसे इक्व है कैपिटल में भी अलाउ करेगा इफ को कैपिटल में भी लिख सकते हो स्मॉल में भी लिख सकते हो तो कीवर्ड तो कैसे सेंसिटिव नहीं होते है न बट वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे जैसे वेरिएबल का नाम डॉलर से शुरू करते हैं अपन तो जैसे कलर लिखा ये कैपिटल लिखा यहाँ पर कुछ कैपिटल स्मॉल ले लिया ये तीन वेरिएबल हो गए थ्री वे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल हो गए ये ध्यान देने का पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीवर्ड वर्ड के सेंसिटिव नहीं होते सिंटेक्स आपको याद हो गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज़ वेरिएबल व्हाट इज नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन पी एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल कि वेरिएबल क्या है वेरिएबल के नोमिंग नेमिंग रूल्स क्या है वेरिएबल को कैसे डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं फिर इसको अपन को एग्जाम्पल देना है पी पी के कोडिंग के फॉर्म में तो वेरिएबल्स अपन हर लैंग्वेज में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो वेरिएबल्स एक तरह से कंटेनर्स हो गया कि जिस प्रकार अपन कोई भी है ना वैल्यूज को किसी कंटेनर्स में रखेंगे तो उसका एक नाम होता है और वो मेमोरी स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा जैसे जस्ट लाइक like अपने पास है ना घर में भी अपन कोई भी आइटम्स को है ना या मटेरियल को रखते हैं तो कंटेनर्स लेते हैं फिर वो जगह ऑक्यूपाई करेगा कितना स्पेस चाहिए तो सेम थ्योरी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है हर लैंग्वेज में वेरिएबल की थ्योरी आती है तो वेरिएबल आर कंटेनर्स कह दो किसका डेटा वैल्यू का फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है वेरिएबल आर मेमोरी लोकेशन या मेमोरी स्पेस नेम कह दो कि मेमोरी का एक लोकेशन का नाम होगा या मेमोरी का स्पेस का एक नाम होगा वेयर द डेटा वैल्यू आर स्टोर यहाँ पे डेटा वैल्यू स्टोर होती है वेरिएबल्स की वैल्यू अपन है ना चेंज कर सकते हैं एक्जुगेशन के दौरान फिर वेरिएबल्स का कैसे अपन है ना यहाँ पे कैसे नेमिंग रूल्स है कैसे डिफाइन करें तो वेरिएबल कैन शॉर्ट नेम वेरिएबल है ना शॉर्ट नाम होने चाहिए मैक्सिमम इसे एट करेक्टर तक अपन ले सकते हैं ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है और मोर डिस्क्रिप्टिव नेम ज़्यादा बड़े नाम भी अपन लेना चाहें ले सकते हैं शॉर्ट नाम ही होने चाहिए आपके पास अब नेमिंग रूल्स क्या है ना पी एच पी के लिए तो कोई भी पी एच पी का वेरिएबल डिफाइन करोगे तो ये डॉलर सिंबल से शुरू होगा वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन जरूरी है याद रखना होगा फॉलोड बाई द नेम ऑफ द वेरिएबल फिर अपन उसका एक प्रॉपर नाम दे देंगे स्पेस को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे स्पेशल करेक्टर अलाउ नहीं करेंगे ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडर स्कोर ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर नंबर से बिल्कुल शुरू नहीं होना चाहिए ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेंट अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स एंड अंडर स्कोर ये अपन अलाउ कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में है न डोलर से तो चलाएंगे बाकी ये है ना इनके कॉम्बिनेशन से विदाउट स्पेस ये अपन है ना अलाउ कर सकते हैं है, है। जैसे बिल्कुल है। है, है, अलाउ नहीं करेंगे special character. फिर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं तो ये लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है डेटा टाइप की यहाँ जरूरत नहीं होती डेटा टाइप आप समझ गए इंटीरियर फ्लोर करेक्टर प्रिमेटिव जो डेटा टाइप है

है ना डॉलर से स्टार्ट ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है इस वेरिएबल का नाम एक्स है वाई है ना ये टेक्स्ट है ये आपका स्ट्रिंग टाइप का मैसेज है हेलो वर्ड इसमें एक्स के अंदर फाइव वैल्यू है तो ये इंटीजर टाइप का डेटा हो जाएगा है ना ये तो आपका स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा ये इंटीजर टाइप का हो जाएगा है ना ये आपका फ्लोट टाइप की वैल्यू हो है ना फ्लोट का तो यह रियल वैल्यू है तो ये है ना रियल टाइप का कंटेनर्स हो गया इंटीजर टाइप का कंटेनर्स हो गया स्ट्रिंग टाइप का कंटेनर्स हो गया तो फिर ये आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाता है एग्जाम्पल भी हो गया तो आज की क्लास को अपनी यहीं पर एंड करेंगे थैंक यू